हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, 12th के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स अब नहीं होंगे, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग थी सीबीएसई बोर्ड के 12th के एग्जाम्स को लेकर, उसमें ये डिसीजन हुआ है कि अब ये एग्जाम्स नहीं होंगे। बच्चों की जो भी असेसमेंट है, उनके जो भी इंटरनल पेपर्स हुए हैं, जो भी प्रैक्टिकल्स हुए हैं, उनके बेसिस पर की जाएगी। और अगर कोई स्टूडेंट अपने रिजल्ट से खुश नहीं होता है, तो जब मोहर ठीक होगा, जब ये कोविड का पेंडेमिक खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, उस सिचुएशन को देखते हुए तब वो स्टूडेंट अपने एग्जाम्स दे सकता है। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये उसके ऊपर होगा कि वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं है। अब ये न्यूज़ कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, कुछ बच्चे इसे पसंद नहीं भी कर रहे हैं कि नहीं, हमारे एग्जाम्स होने चाहिए थे। बट आप सबको पता है कि ये अपील सुप्रीम कोर्ट में भी थी, सुप्रीम कोर्ट पर भी में भी ये डिसीजन लेने के लिए चल रहा था कि क्या होगा, क्या आउटकम होगा। तो अब ये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होंगे। बट हाँ, एक तरीके से ये चीज़ इसलिए बहुत अच्छी कही जा सकती है कि 12th के बाद ही हम आगे की फर्दर स्टडीज करते हैं। अब एटलीस्ट स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में नहीं है कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, सो दे कैन परस्यू व्हाट दे वांट टू। यानी कि 12th के बाद अब वो जो कुछ भी करना चाह रहे थे, अब वो उसको बिल्कुल फोकस होके कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको परस्यू कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट, ऐसे भी गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो जब सिचुएशन ठीक होगी तो वो एग्जाम्स दे सकता है। तो दिस इज द न्यूज़, और जैसे जैसे इसके ऊपर और डिटेल्स आएंगी, आई विल शेयर इट विद यू। अगर मैं सी ए सी एस सी एम ए के स्टूडेंट्स की बात करूं जो ये कोर्सेज परस्यू करना चाहते थे, तो अब उनके एग्जाम्स का जो एक डाउट था उनके माइंड में, अब वो नहीं है। सो दे शुड, दे मस्ट परस्यू विद देयर करियर प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर 12th। सो कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय। और अगर एम इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।